कहावत है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, और भैया एक तो बनिया ऊपर से इनकम टैक्स कमिश्नर। ये लेते हैं देते नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए भैया अब जो हमारे जो लोग हैं ना देते आए 5000 साल से इस देश को, देते आए अपनी मेहनत करके इसको, देते आए इस देश को बनाया, इस देश को पाला है, तो अब भैया अब हम अपनी मेहनत अब खुद लेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बड़े इशू हैं, और ये जो डोमेस्टिक वर्कर के लिए वादा किया, महिलाओं के लिए जो बेचारी घरेलू काम करती हैं, कोई बोर्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर परमानेंट नहीं करे, भाई फ्री मत दो, और फ्री देने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि हमारा मेहनताना पूरा दे दो, जो हम मेहनताना करते हैं मेहनत करते हैं, हमारे 40-50 हजार रुपया पगार बनती है, आप 10 हजार रुपए दे रहे हो, हमें दे दो हमारा मेहनताना, हम भरेंगे तुम्हारे बिजली के बिल नहीं सारी चीजें भरेंगे हम तुम्हारे। तो इसलिए दोस्तों पानी में कोई सुधार नहीं है, पानी फ्री के नाम पर मैं आप गली गली घूम रहे हैं, हम अपने सारे हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा जो चुनौती दे रहे हैं लगातार एक साल से, इलाकों में पानी नहीं है, फ्री पानी है मगर पानी नहीं है, फ्री बस है मगर बस ही नहीं है। तो आप देखो ट्रांसपोर्ट की हालत देखो, मेट्रो की हालत देखो, मेट्रो में दिल्ली सरकार आप देखो ना मेट्रो की कितनी बुरी हालत है, वो 3-3, 4-4 मिनट में 5-5 मिनट में आ रही है। भाई आप इसको क्यों नहीं बढ़िया से करते हो, आप कभी गए हो वहां मीटिंग किया आपने मेट्रो के, उस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक एक मिनट में अगर वो चले बिल्कुल सुचारू रूप से तो आराम से बैठ करके लोग जाएं, और ज्यादा सहूलियत के साथ हमारे लोग जाएं, हमें ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, और सड़कों पर भीड़ कम हो, और तो ये सब क्यों, कौन ठीक करेगा इनको। और सबसे बड़ी बात आप फेल कोऑर्डिनेटर हो, आपने कोऑर्डिनेशन करने में, आप मुख्यमंत्री हो इस समय दिल्ली के, और आप कह रहे हो कि जी आप मेयर के पास नहीं जाओगे दिल्ली के, आप कह रहे हो जी भारत सरकार के साथ केंद्र सरकार के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आप गवर्नर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, भाई संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे क्या, आपकी ड्यूटी है कि आप दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करोगी, ये जाम क्यों लगता है दिल्ली की सड़कों पर, क्यों और जनता परेशान है, इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, क्यों है, क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने बातें की, क्यों नहीं भाई आपने जाकर के मेयर के साथ बात की कि एमसीडी में इतनी गंदगी क्यों है। भाई बहनों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है, प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हमने जो पिछले 4-5 वर्षों से मेहनत की थी दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटीज और ओबीसी ये जो तबके हैं इनकी जो दिल्ली में जनसंख्या है करीब करीब 70% के आसपास है इनका वोट अपना, और जो डेमोक्रेसी हमारी उसमें जिसका वोट ज़्यादा होगा उसका नेता होना चाहिए, लेकिन अभी तक दिल्ली में जब से भी इसके चुनाव हुए हैं जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री या सरकारों में अपना भागीदारी कैबिनेट में वो नगण्य रही है, नाम मात्र की रही है। तो इसलिए जो हमारा उद्देश्य था कि आज हम यहाँ पर सब मिल करके उन तमाम उन जातियों का जिनका संविधान में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए थी नहीं हुई है उसको हिस्सेदारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं, और जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा अभी जो चुनाव में मैदान में उतरेंगे 70 सीटों हैं, 70 में से अभी हम 18 अपने कैंडिडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो नाम पेश कर रहे हैं, जो अभी तैयारी में जुट गए हैं हमारे साथी, और जिन जिन विधानसभाओं के नाम पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं साथियों से अपील करूंगा जिनके नाम मैं ले रहा हूँ जो हमारे कैंडिडेट आए कृपया सामने स्टेज पर आ जाए। नई दिल्ली विधानसभा से तो मैं खुद मैदान में रहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, और सीमापुरी विधानसभा दो विधानसभाओं से क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं उनसे हिसाब चुकता करना है कि पिछले 5 साल का हमारी झाड़ू लेकर के हमारे लोगों के वोट लेकर के हमारे बजट का हिस्सा और हमारी तमाम जो नौकरियां थी और जो भी हमारे अधिकार थे वो नहीं दिए, और उधर सीमापुरी पे क्योंकि गौतम साहब राजेंद्र गौतम साहब वो अनुसूचित जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस समय सरकार में हैं, तो जब हमारा हिस्सा लुट रहा है तो यहाँ पर आप अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होने की हैसियत से आपने उस सरकार में क्या विरोध किए, क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया, क्यों नहीं आप समाज को लुटते हुए जब देख रहे थे तो क्यों नहीं आप आए समाज के साथ खड़े हुए, तो उनसे भी हिसाब चुकता करना, इसलिए दोनों सीटों से मैं इनको खुद चुनौती दूंगा। नरेला विधानसभा से हमारे मास्टर रमेश जी हैं, मैं उनसे कहूंगा आ जाए, मास्टर रमेश जी जो प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं और अभी हमारे इस युद्ध में अधिकार के युद्ध में
वो हमारे योद्धा हैं, नेतृत्व करेंगे मास्टर रमेश जी, प्लीज वेलकम। इधर आ जाइए आप, उधर आ जाइए मास्टर। भवाना विधानसभा से हमारे समाज सेवी कपूर सिंह तवर साहब, कपूर सिंह तवर साहब समाज से भी हमारे ये भवाना से चुनौती देंगे। सुल्तानपुर माजरा से हमारे समाज से भी है श्री विजय जी, विजय आए आइए। साथी जोरदार ताली बजाते रहे, हमारे जो साथी पीछे बैठे हैं। मंगोलपुरी विधानसभा से वहां से हमारे दीपक कुमार जी, दीपक कुमार पिहाल जी हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं, नगर निगम में नेता हैं हमारे, और अपने अधिकार लेने के लिए भी खूब चुनौती देंगे। तिमारपुर विधानसभा से हमारी बहन कविता पिहाल जी आ गई, कविता पिहाल जी आइए, वो अभी आ रही है रस्ते में। त्रिलोकपुरी विधानसभा से हमारे साथी जो टीचर हैं, दिल्ली सरकार में टीचर हैं, रडौक पे हैं, पिछले 25 वर्षों से इनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ, टीचर्स को जो इन्होंने अधिकार नहीं दिए हैं वो खुद मैदान में आ रहे हैं। अजय चौहान साहब हमारे आए, हमारे बिल्कुल ये टीचर हैं, अंग्रेजी मैथ के टीचर हैं हमारे दिल्ली सरकार में मौजूदा, नौकरी दाव पे लगा के मैदान में चुनौती दे रहे हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारी बहन समाज सेवी शशिराज जी वो मैदान में आए। मादीपुर विधानसभा से हमारे साथी ब्रह्मपाल जी हैं, वो रास्ते में अभी पहुंचने वाले हैं, सूचना मिली है। गोकुलपुर विधानसभा से हमारे युवा नेता अनिल कुमार जी हैं, समाज सेवी हैं अनिल कुमार जी हैं, बहुत क्रांतिकारी साथी हैं। आर के पुरम विधानसभा से हमारे राहुल कंडेरा जी, राहुल कुमार कंडेरा जी युवा साथी हमारे। देवली विधानसभा से हमारे रोशन लाल जी, हमारे प्रधान रोशन लाल जी समाज सेवी हैं। अंबेडकर नगर विधानसभा से हमारे साथी नौजवान साथी अमित कुमार जी आइए। बुराड़ी विधानसभा से हमारे साथी अनिल कुमार यादव जी युवा साथी आइए। कालकाजी विधानसभा से हमारी बहन कुमारी प्रिया पवार कृपया आइए। हमारे दो कैंडिडेट, एक तो मॉडल टाउन से, एक तिमारपुर और हमारे मादीपुर से, तीन साथी हमारे अभी ऑन द वे हैं, वो पहुंच रहे हैं, तीन विधायक जो हमारे उम्मीदवार होंगे इन इलाकों से। और ये हमारे सब साथी हैं जो यहाँ पर आपके सामने ये सूची 18, अभी पहली सूची हम अपने अलायंस की पहली सूची अभी हम जारी कर रहे हैं आपके सामने। ये प्रेस रिलीज दे देना, एक साथी बुलाना, लुक करके आ जाएं, प्रेस रिलीज सभी साथियों को दे दें। और बाकी जो हमारी 52 सीटें जो बाकी रह जाएंगी उसको हम अभी 10 दिन में 15 दिन में जैसे जैसे समय समय पर हम आपको इतला करते रहेंगे। और हमारा घोषणा पत्र जो अभी तैयार होने की पाइपलाइन में है, तैयार हो रहा है, क्योंकि बड़ी चुनौती की है घड़ी है। हम आखिर क्यों, जब तमाम बहुत सारे चैनल एडवर्टाइजमेंट महंगे महंगे और तमाम जो ऊपर का क्लास है हाई लेवल क्लास वो ये हवा हवाई बातें कर रहा है जी केजरीवाल साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और केजरीवाल जब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई किसी एक खास वर्ग के लिए क्यों? अच्छा, हमारे बहुत युवा बुजुर्ग साथी बलजीत अमरोही जी आए हुए, मैं उनसे अपील करूंगा आ जाएं, कृपया मंच पे आ जाएं। ये भी एक उम्मीदवार है हमारे, और हमारे उम्मीदवार होंगे ये, आगे इनका नाम बाद में अगली सूची पर इनका नाम आएगा, कृपया आ जाएं बलजीत अमरोही जी। साथियों आज सवाल इस बात का है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री बस, लेकिन आपने दिल्ली डायलॉग में जब 2015 में आपने जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया
उस वक्त आपने, आइए सर एक कुर्सी दे देना, कुर्सी यहाँ से दे देना, तब आपने जो कहा था कि ये जो चोर लाला है बिजली वाले कंपनियां, उस समय की तत्कालीन सरकार शीला दीक्षित सरकार के साथ मिलकर के ये लोग करप्शन कर रहे हैं, महंगे रेट लगा रहे हैं, और जो 200 यूनिट तक शीला दीक्षित सब्सिडी दे रही हैं उसमें मिली भगत है इनकी, और हम सत्ता में आए तो हम बिजली के दाम कम करेंगे। दो अलग अलग चीजें, सब्सिडी देकर के दाम कम करना और पर यूनिट रेट 50% आधे करके दाम कम करना। आपने सब्सिडी दे दी 200 माफ कर दिए और 200 और दे दिए 50% 400 पे कर दिया, लेकिन वो पैसा किसका है? हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति का स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा है वो कहां पर है? कितने हमारे एससी एसटी के, हमारे दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के, कम से कम 29% हमारे तमाम जातियों के लोग हैं, नौजवान है, युवा है, वो पैसा क्यों उनके ऊपर खर्चा नहीं हुआ? कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? कितने लोगों को आपने उनको उनके डेवलपमेंट उनके इलाकों में किए? पीने के पानी से लेके स्पेशल चिकित्सा व्यवस्था तक लेकर के वो तमाम चीजें उस पैसे से होती हैं, आपने बिजली पानी में दे दिया, जबकि आपने कहा था पर यूनिट रेट कम करेंगे। अगर पर यूनिट रेट कम होता तो उस लाला का मुनाफा कम होता, बिजली कंपनी के लाला का, और आपको हमारा पैसा सब्सिडी में नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि आप एक पैरेलल दिल्ली में बिजली यूनिट शुरू करेंगे, दिल्ली की अपनी बिजली पैदा करेंगे और दिल्ली की जनता को ऑप्शन देंगे कि जो इन प्राइवेट कंपनियों से तंग है, इनके फास्ट मीटरों का सवाल ही नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा था फास्ट मीटर वो सब खत्म हो गए, कि ये जो फास्ट मीटर चलाते हैं या ये जो गुंडागर्दी से पैसा लेते हैं या रेट ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इसके पैरेलल हम एक अलग बिजली का डिपार्टमेंट शुरू करेंगे और बिजली पैदा करेंगे, और हम दिल्ली की जनता को अलग से पैरेलल एक उनको वो देंगे ऑप्शन कि आप चाहे वो बिजली लो चाहे ये लो, जैसे एयरटेल इसके कनेक्शन होते हैं मोबाइल के, एयरटेल लो या जो मर्जी लो, वोडाफोन लो, जहां आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, सुविधाएं मिले, आप वो वाला वो प्लान लो, तो वो प्लान के लिए। और उन्होंने कहा था कि हम कार्ड प्रीपेड बिजली के बिल के कार्ड देंगे उनको कि भैया जितना तुम्हारे पैसा है जेब में उतने का आप बिजली खरीदो और आप अपना बिल चलाओ। तो वो कहां चली गई, वो पैरेलल व्यवस्था कहां चली गई? आज उस लाला के खिलाफ आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आपने 200 के ऊपर जो 400 की यूनिट 50% की है, उनकी जो न्यूनतम आय है उनकी अपनी और घर की करीब करीब 50,000 से ऊपर है, जो आराम से 2,500 रुपए का बिजली का बिल पे कर सकते हैं। आज दिल्ली में आग लग रही है, मजदूर चल रहे हैं, कारखानों में आग लग रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली का जो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ जो 5 साल का बजट करीब करीब हुआ दिल्ली का, आपने 1 लाख करोड़ को फ्री में बांट दिए, मुफ्त में बांट दिए। आप किस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हो उस देश में? आप लोगों को मुफ्तखोर बनाना चाहते हो आप? और बिजली पानी से क्या जीवन चलेगा? क्या बेहतर कपड़े पहनेंगे? क्या हम घूमने जाएंगे? बेहतर खाना खाएंगे? क्या हम अपने घर खरीद सकते हैं बढ़िया? क्या हम घर बना सकते हैं? क्या सिर्फ बिजली पानी और हमारे नगर निगम में जो लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी और जो ठेका कर्मचारी हैं, जो 6,000-8,000 पे काम कर रहे हैं, अगर आप उनको पक्का करते हो फ्री का पैसा वहां देके लालाओं को, अगर आप उसको पक्का करते हैं उनको परमानेंट, तो जो 10,000 रुपया पगार ले रहा है उसकी 50,000 की पगार हो जाती है इसके इलाज का। तो भैया जब हमारे 40,000 रुपए कम करके आप 1,500 रुपए का बिल दे रहे हो हमें बिजली का, अगर आप हमारे 40,000 दे दो, हमें 50,000 का बिल दे दो, पूरी पगार दे दो, तो हम भरेंगे आपके? हम 1,500 नहीं भरेंगे, हम फिर एसी लगाएंगे घर में, अपने बच्चों को बेहतर सुविधा देंगे और 5,000-6,000 भरेंगे जब हमें 50,000 रुपए हम कमाएंगे। तो आप हमें रोजगार देने से गए, हमारा जो आपने पक्की नौकरी देनी चाहिए थी, 25-25 साल से हमारे लोग गंदा पेशा कर रहे हैं और कच्चे में एफजीदार में, जब हमारे लोगों की तनख्वाह देने की बात आती है 6-6 महीने वेतन नहीं होता, तो आप कहते हो जी वो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले टांग अड़ा रहे हैं, वो नहीं देने दे रहे, और कभी किसी की मृत्यु हुई जैसे किसी पुलिस की तो आप 1 करोड़ रुपए का चेक लेके बिना बजट के पहुंच जाते हो। भाई आपने जब हमारी झाड़ू ली तो आपने लिखा भाई सफाई कर्मचारियों को हम किसी की मौत हो गई गटर में तो 50 लाख रुपए मुआवजा देंगे, हमें तो दिया नहीं हमारे वोट लेके, और आप 1 करोड़ रुपए बांट रहे हो। भाई उसके लिए तो गवर्नर नहीं मना करता,
आपने एक लाख करोड़ रुपया फ्री बांट दिया, उसको तो गवर्नर नहीं मना करता है, बीजेपी नहीं मना करती। जब हमारे ठेका कर्मियों को पक्का करने की बात होती है, जब इस देश के, इस दिल्ली के मजदूरों को पक्का करने की बात होती है, तब आपको वो मना कर देता है भाई, गवर्नर मना कर देता है, बीजेपी मना कर देती है। और इसी तरह शिक्षा पे, एजुकेशन के ऊपर आपने एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पर चंद बिल्डिंगें बना दी और कम से कम 50,000 करोड़ का बजट 5 सालों में आपने कहा जी सबसे ज्यादा 21% बजट एजुकेशन का दिल्ली का, दिल्ली सरकार का है, लेकिन वहां पर मास्टर भर्ती किया आपने, आपने सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बना दी उस पैसे से, लेकिन आपने कहा कि भाई हम 21,000 रूम्स एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास 1,009 स्कूल है अभी की तारीख में सरकारी स्कूल, आपने उनका कहा कि जी यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, आपने कहा जी 21,000 हमें एक्स्ट्रा हम रूम बना रहे हैं और सुंदर स्कूल बनाएंगे, तो भैया टीचर तो रखे नहीं 21,000, तो आप रूम और बना दो, तो टीचर भी तो बढ़ने चाहिए। अभी जो टोटल टीचर होने चाहिए दिल्ली में, जो हमारा टोटल उसकी वो है स्ट्रेंथ है, 33,000 परमानेंट टीचर होने चाहिए, और आपको जान करके हैरत होगी कि वो 13,000 टीचरों से काम चल रहा है, और जो बेचारे जो बाकी जो इन्होंने ठेके पे रखे हुए हैं, जिनको ये गेस्ट टीचर मेहमान टीचर कहते हैं, वो दिल्ली की व्यवस्था को चला रहे हैं। जिस दिल्ली की या जिस देश की व्यवस्था ही जो टीचर ही ठेके पे होंगे या मेहमान टीचर होंगे, तो शिक्षा कैसी होगी आप ये समझो। क्या सुंदर सुंदर बिल्डिंगें पढ़ाएंगी बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे ना, और टीचर आप भर्ती नहीं करोगे परमानेंट। और दूसरी बात यह कि आप अगर इतने ज्यादा बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो, आप तो उसमें रहे हो, इनकम टैक्स में रहे हो, कहां कहां रहे हो, तो भैया आपने वो फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू किया। 109 स्कूल है दिल्ली के अंदर, वो बिल्डिंगें खाली हो जाती हैं एक एक शिफ्ट के बाद, आपने उनको दो दो शिफ्टों में और तीन शिफ्ट में अगर कर देते उन बिल्डिंगों को जो खाली पड़ी है, तो जिस स्कूल में 40 वो थे कमरे थे, तीन शिफ्ट में करते 120 हो जाते अपने आप बिना पैसे लगे। और जो हमारा आपने ग्राउंड खत्म कर दिया बच्चों का खेलने का, जिससे कि खेल कूद करते थे, उनका जो फिजिकल उनका वो बढ़ता था, उसको भी खत्म कर दिया आपने, वो सब ग्राउंड खत्म कर दिए। आप कौन से स्विमिंग पूल दिखा रहे हो, कौन से सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल लगे भाई मुझे बताओ जरा। और उस स्विमिंग पूल के हमें जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है, टीचर गणित के और अंग्रेजी के टीचर नहीं है, परमानेंट टीचर नहीं है स्कूलों में, प्रधानाचार्य नहीं है, और वहां पर जो उप प्रधानाचार्य नहीं है स्कूलों में, वो सारी रिपोर्ट जनसत्ता में छपी, सारी की सारी तमाम ये सारी डिटेल्स पूरी की पूरी आरटीआई से मिली है। तो आपने एक टीचर भर्ती नहीं किया, आपने ठेके लोगों को जो वादा किया ठेका कर्मचारियों को पक्का करने का, वो वादा पूरा नहीं किया, आपने SC ST का फंड खत्म कर दिया, आपने बिजली कंपनियों का जो करप्शन रोकने के लिए पैरेलल व्यवस्था बनानी थी वो आपने नहीं किया, आपने बिजली के दाम कम नहीं किए, तो भैया आपने वादा कौन सा किया है। और दूसरा, हमारी अनार्य माता के भी 5,000 रुपए खा गए यमुना माता के, वो भी साफ करने का आपका वादा था, स्टीमर चलाने का, उसमें आप टूरिस्ट प्लेस बनाने का, रेस्टोरेंट खोलने का, उसमें आपने उसको बनाया था वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, वो भी आपने नहीं बनाया, तो भैया आपने किया क्या। और सबसे बड़ी बात ये पोल्यूशन के लिए आपने कहा उसके लिए बात करेंगे, आपके ऊपर जुर्माने लगे, 2 करोड़ रुपया आपको जुर्माना लगा NGT ने लगाया, और यमुना सफाई में फेल होने के लिए आपके ऊपर 50,000 जुर्माना NGT ने लगाया। तो जब आप पे जुर्माने लग रहे हैं तो आप फेल एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप कहते हो कि हम तो बड़े सफल हैं जी, आप कहां से सफल हो जब आपके ऊपर जुर्माने लग रहे हैं, आप कोई काम आपने किया नहीं और आप रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हो, ये मुद्दे कहां है। तो इस तमाम साथियों, हम इन सब चीजों को लेकर के हमने ये कहा कि भैया हम दिल्ली में 29% और अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, करीब करीब 33-35% अनुसूचित जाति है दिल्ली के अंदर, केवल अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं मैं, और माइनॉरिटीज को लगा करके, मुस्लिम माइनॉरिटीज और अपने क्रिश्चियंस और अपने OBC उनको लगा करके करीब करीब हम पहुंच जाते हैं 70-75% के आसपास। तो जब 70-75% भाई हम हैं, तो भाई हम क्यों ना अपनी सरकार बनाए, हम फिर अपने अधिकार क्यों ना लें, हम खुद मुख्यमंत्री बनके अब देखना चाहते हैं भाई कौन रोकेगा हमें हमारे लोगों को पक्का करने से, कौन रोकेगा हमारे बजट हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने से, हमारे लोगों को स्वरोजगार देने से, बेहतर एजुकेशन सिस्टम करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने से, कौन रोकेगा हमें। तो इसीलिए हमने इस बात को कहा कि भैया अब हम बनाएंगे, अब हम, और वैसे ही बाबा साहब का सीधा सीधा सिद्धांत है संविधान में भी, और बाबा साहब ने कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 1.5% जिनका वोट है भैया वो 1.5% अपनी सीट लो,
हम जो अब जो बहुमत में है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों एक कहावत है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, और भैया एक तो बनिया ऊपर से इनकम टैक्स कमिश्नर, ये लेते हैं देते नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए भैया अब जो हमारे जो लोग हैं ना देते आए 5000 साल से इस देश को देते आए, अपनी मेहनत करके इसको देते आए, इस देश को बनाया है, इस देश को पाला है, तो अब भैया अब हम अपनी मेहनत अब खुद लेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बड़े इशू हैं, और ये जो डोमेस्टिक वर्कर के लिए वादा किया, महिलाओं के लिए जो बेचारी घरेलू काम करती हैं, कोई बोर्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर परमानेंट नहीं करे, भाई फ्री मत दो, और फ्री देने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि हमारा मेहनताना पूरा दे दो, जो हम मेहनताना करते हैं मेहनत करते हैं, हमारे 40-50 हजार रुपए पगार बनती है, आप 10 हजार रुपए दे रहे हो, हमें दे दो हमारा मेहनताना, हम भरेंगे तुम्हारे बिजली के बिल नहीं सारी चीजें भरेंगे हम तुम्हारे। तो इसलिए दोस्तों पानी में कोई सुधार नहीं है, पानी फ्री के नाम पर मैं अभी गली गली घूम रहे हैं, हम अपने सारे हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा जो चुनौती दे रहे हैं लगातार एक साल से, इलाकों में पानी नहीं है, फ्री पानी है मगर पानी नहीं है, फ्री बस है मगर बस ही नहीं है। तो आप देखो ट्रांसपोर्ट की हालत देखो, मेट्रो की हालत देखो, मेट्रो में दिल्ली सरकार आप देखो ना मेट्रो की कितनी बुरी हालत है, वो 3-3, 4-4 मिनट में 5-5 मिनट में आ रही है, भाई आप इसको क्यों नहीं आप बढ़िया से करते हो, आप कभी गए हो वहां मीटिंग किया आपने मेट्रो के, उस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 1-1 मिनट में अगर वो चले बिल्कुल सुचारू रूप से तो आराम से बैठ करके लोग जाएं, और ज्यादा सहूलियत के साथ हमारे लोग जाएं, हमें ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, और सड़कों पर भीड़ कम हो, और ये सब क्यों कौन ठीक करेगा इनको। और सबसे बड़ी बात आप फेल कोऑर्डिनेटर हो, आपने कोऑर्डिनेशन करने में आप मुख्यमंत्री हो इस समय दिल्ली के, और आप कह रहे हो कि जी आप मेयर के पास नहीं जाओगे दिल्ली के, आप कह रहे हो जी भारत सरकार के साथ केंद्र सरकार के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आप गवर्नर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, भाई संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे क्या, आपकी ड्यूटी है कि आप दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करोगी, ये जाम क्यों लगता है दिल्ली की सड़कों पर, क्यों और जनता परेशान है, और इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, क्यों है, क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने बातें की, क्यों नहीं भाई आपने जाकर के मेयर के साथ बात की कि एमसीडी में इतनी गंदगी क्यों है, क्यों नहीं बताओ क्या चाहिए आपको, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हम बैठ के बात करेंगे, क्यों नहीं आप जाकर के केंद्र सरकार से करते, भाई आप नहीं करोगे, अहंकार है, हमें अहंकार वाला आदमी नहीं चाहिए, अब हमें वो सरकार चाहिए जो अपने नागरिकों के लिए कहीं भी जाए किसी से भी बात करे और दिल्ली को खूबसूरत बनाए और अपने लोगों का अधिकार दे। धन्यवाद सर। सोचिए आपको मैं एक एक करके बताऊंगा और उनकी तरफ से कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दल को उसका नाम भी बताऊंगा। नंबर वन पे है भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी, ये एक राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्टी है, 2012 से रजिस्टर्ड है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं एक IPS अधिकारी हूँ और हिमाचल प्रदेश का पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुका हूँ। नंबर दो पर है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इलियास हैं, वे एक जाने माने चेहरे हैं, आपने उनको बहुत बार TV पर भी देखा होगा, ये जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, बहुत बार TV डिबेट्स में आपने उनको देखा होगा, एजुकेटेड अधिकारी हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस समाज को ऊपर उठाने के लिए। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय लोकतंत्र दल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री PN चौटाला जी हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। चौथा है एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड कर्णन जी हैं, उनके बारे में भी आपने खूब नाम सुना होगा उनका, उन्होंने काफी मुद्दे भ्रष्टाचार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए, राइटिंग में उन्होंने कंप्लेंट भेजी, काफी जजों के खिलाफ भी भेजी और उसी जद्दोजहद में एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भी जाना पड़ा। वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलितों के संघर्ष की लड़ाई
इस देश में वो लड़ रहे हैं। इस पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री के आर गौतम जी आज हमारे बीच में है, जो इनके केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद है इंडियन नेशनल लीग, INL हम इसको बोलते हैं। ये आज की तारीख में केरला में पावर में है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। इनके MLA और MP भी रह चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुलेमान सैफ, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और मुस्लिम समाज में एक जानी मानी आवाज़ है। इंडियन नेशनल लीग की तरफ से आज हमारे बीच में आदरणीय श्री रफ़ी अहमद जी उपस्थित हैं। ये दिल्ली प्रदेश INL के अध्यक्ष। इसके बाद है भारत प्रभात पार्टी, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम अर्चना सिंह जी हैं। वे आज उनकी कुछ अपॉइंटमेंट थी कोई, इसलिए वो आज हमारे बीच में आ नहीं सके हैं, लेकिन ये रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। इसके बाद है पीस पार्टी। पीस पार्टी भी एक जानी मानी पार्टी है भारत की। इनके उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। इनके MLA भी रह चुके हैं और ये आज की तारीख में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। इसके बाद है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर राशिद मदनी जी हैं, जो इनका मुख्यालय जो है लखनऊ में है और ये भी मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पर फेक एनकाउंटर होते हैं भारत के अंदर, तो ये वहाँ पर जाकर उसकी तहकीकात करते हैं। यदि कोई जाति हुई है तो वहाँ पर प्रदर्शन भी करते हैं। ये पार्टी भी आज की तारीख में हमारे साथ है। और इसके अलावा एक और जो रीजनल पार्टीज हमारे देश में हैं, काम कर रही हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, उनकी तरफ से भी एक इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट इस देश में चल रहा है, इसको हम IRPF बोलते हैं। उसके राष्ट्रीय संयोजक शादाब खान जी हैं, ये मेरे साथ ही बैठे हैं, और इसमें तकरीबन 125 पार्टियां हैं IRPF में। ये भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो गरीबों की ज़िंदगी से संबंधित मुद्दे हैं, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं, उसके बारे में धरना प्रदर्शन भी करते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। और उसके साथ है हमारे भारतीय वीर दल, इसके मैं उनसे आग्रह करूंगा कसाना जी से कि वो सामने आ जाएं। बीच में है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भारतीय भाईचारा पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल वाल्मीकि जी हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये RDA का हिस्सा है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी RDA का हिस्सा है, और साथ में जनता दल मेहनतकश भी RDA का हिस्सा है। उनकी महिला विंग की चेयरमैन श्रीमती रजिता राज जी आज हमारे बीच में हैं। तो ये तो है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस की फॉर्मेशन। अब ये क्यों इस अलायंस को बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं दो चार बातें कह देता हूँ आप सबको कि जो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फिलॉसफी पर आधारित है, जो इस देश का दबा कुचला समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किस प्रकार इस देश के विभिन्न अंगों में संचालित किया जाए और इस देश की सत्ता में किस प्रकार इन तबकों की, दबे कुचले तबकों की भागीदारी हो, उस उद्देश्य को लेकर ये रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है। और मैं आज आप सभी सम्मानित प्रेस के अपने भाई बहनों के सामने ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जो आगामी दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं, उसके लिए हमने इस देश के अंदर पहली बार आदरणीय श्री अशोक ज्ञानी जी अज्ञानी जी जो वाल्मीकि समाज से हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो।
आप सब समझ रहे होंगे कि क्यों हमें ये कदम उठाना पड़ा है। पूरे देश के अंदर आज एक भी दलित समाज का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय सामाजिक भारतीय जनता पार्टी है या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है या और जो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या इनके दलित कोई सदस्य नहीं है या इनके कोई दलित विधानसभा सदस्य नहीं है? क्या आज तक भी इन्होंने किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में कहीं पे प्रस्तुत किया? एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत जो इस देश के अंदर मनुस्मृति की विचारधारा है कि ये जो शूद्र समाज है इसको एक सेवक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता रहे, इनको सत्ता में भागीदारी देने का कोई औचित्य नहीं, ये इनकी मानसिकता है जिसके विरोध में ये जो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस है ये खड़ा हुआ है। और इसमें सभी सम्मानित सदस्य जो मेरे साथ बैठे हैं इनका पूरा हाथ है। ये एक इंसिडेंट ही कह सकते हैं कि मैं इसका इस समय इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सभी लोगों ने मुझे आगे किया है, चुना है और आगे भी इसके चुनाव होते रहेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक जो हमारी विधानसभा सदस्य दिल्ली के जो आगामी चुनाव के लिए विधानसभा उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी करूंगा। और मैं अशोक ज्ञानी जी से कहूंगा कि वो इस सूची को जरा पढ़ें और एक एक करके सभी सदस्यों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों बता देता हूं क्योंकि सभी साथियों को मुद्दे दिए हुए हैं, उन मुद्दों पे उनकी तैयारी है, वो आपसे बातचीत करेंगे। जैसे एनआरसी और सीएए क्या आज की तारीख में बहुत ही आंदोलित गर्म मुद्दा है और ये हमारे संविधान की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। इस पे हमारे वरिष्ठ साथी हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं सादात खान जी बातचीत करेंगे। पोल्यूशन के बारे में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमने तो बना दिया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने बात की, उसको थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। पोल्यूशन आप सबको पता होगा, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं इस देश के, कि दिल्ली पिछले 5 साल से ग्रीन पीस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। पता होगा आपको, सब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है पिछले 5 साल से। तो ये पिछले 5 साल में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है दुनिया का, इसकी कुछ कैटेगरी तो कुछ इसका नंबर नीचे तो आना चाहिए था। मान लो एक नंबर पे है तो 3 पे चला जाता, 4 पे चला जाता, 5 पे चला जाता। अगर ये सरकार एफिशिएंट है, मतलब काम करना जानती है, निकम्मी नहीं है, तो इसका लेवल कुछ नंबर 1 से 2 पे आता, 3 पे आता। हम भी पढ़ते अखबारों में या टीवी पे देखते कि हाँ भाई हमारी राजधानी जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। शर्म की बात है वैसे इसको पढ़ना भी, टीवी पे सुनना भी एक शर्म की बात है कि भारत की राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है पिछले 5 साल से। और जब सर्दियों में इसकी प्रदूषणता सीवियर हो जाती है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम मापते हैं कि कोई भी शहर कितना प्रदूषित है, अगर 100 से कम है तो जो उसका प्रदूषण है उस AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से 100 से कम है तो हम कहते हैं ठीक है ये हवा सांस लेने लायक है, अच्छी नहीं है लेकिन वो 0 होना चाहिए, फिर भी चलो हम कह सकते हैं सांस लेने लायक। पिछले 3 महीने से 500 के आसपास ढोल रहा है जो सीवियर है, जो जहर है, इससे लोग मर सकते हैं और मर रहे हैं। मेरी स्वयं की खांसी सितंबर में शुरू हो जाती है, वो जून तक खांसी खत्म ही नहीं होती, आपकी भी ऐसी होगी मेरा ख्याल। फेफड़े हमारे अगर कोई आज की तारीख में खोल के देखे तो बिल्कुल प्रदूषित हवा से जर्जर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। बच्चों के फेफड़े जो ग्रोइंग एज में है, जिनकी ग्रोथ हो रही है, 500 AQI की एयर सांस के द्वारा लेकर किस प्रकार का जीवन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और जब बात आती है अभी तुमने किया क्या, जब हम पूछते हैं तो किया क्या,
तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, दोषारोपण शुरू हो जाता है एक दूसरे के। मैंने, मुझे बड़ी हंसी आई जब मैं अपनी गाड़ी चलाकर स्वयं चलाता हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, जब मैं देखता हूँ कई जगह जो मेट्रो के जो पुल हैं उन पर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है दिनेश जी केजरीवाल जी की, कि हमने तो प्रदूषण कम करने की कोशिश की थी लेकिन क्या करें, पंजाब और हरियाणा से पराली जला दी। पढ़ा होगा आपने, पराली पे डायरेक्ट ब्लेम कर दिया। अब पराली का धुआं, मैं एक टेक्निकल आदमी हूं, मैं एक इंजीनियर हूं NIT कुरुक्षेत्र से, मैं तो बिना पढ़े कुछ बोलता नहीं, जब तक मुझे उस चीज की ज्ञान ना हो, मैंने रिसर्च ना की हो, मैं नहीं बोलता। फिर मैंने देखा यार ये हवा हरियाणा और पंजाब से क्या इस तरफ आती है, दिल्ली की तरफ कैसे आती है। अब तो जहाँ पे ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे आप लोग, कुछ आप में से, उनको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जो सर्दियां जब हमारे देश में शुरू होती है यहाँ पर वेस्टर्नली विंड चलती है, वेस्टर्नली। आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में कई दफा यहाँ पे जब बारिश और तूफान ओले सर्दियों में पड़ते हैं तो हम क्या अखबार में पढ़ते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है मौसम खराब हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्नली विंड जो है यहाँ पर चलती है सर्दियों में। वेस्टर्नली विंड की डायरेक्शन क्या है, वो हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप माता पिता जगाधरी का मैं रहने वाला हूँ बोला करते थे कि पछुआ हवा चल रही है भाई, पछुआ मतलब पश्चिमी हवा चल रही है, वेस्टर्नली बोलते थे। अब ये बताइए ज्योग्राफी के स्टूडेंट या जो आप लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, दिल्ली क्या हरियाणा और पंजाब के पूर्व में है क्या, ये बता दो। अगर दिल्ली हरियाणा और पंजाब के पूर्व में हो तब तो वो हवा इसके ऊपर से होके गुजरेगी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है तो धुआं भी साथ लेके जाएगी, लेकिन ये तो दक्षिण में है हरियाणा और पंजाब की दिल्ली, तो यहाँ हवा कैसे आ गई। अभी हम ये कहेंगे पाकिस्तान से हवा आ गई तो चलो मान भी सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हरियाणा पंजाब से। हरियाणा पंजाब का नाम इसलिए लेता है ये बंदा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, भाई इसका राजनीतिक उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है और दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी का निर्णय इस विषय में ये था कि ये तीनों राज्य आपस में मिल बैठकर एक कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि कोऑर्डिनेशन करके ये जो पराली जलाने की जो समस्या है इसको सॉल्व करेंगे, यदि किसानों का कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है तो तीनों राज्य मिलकर उनका ये आर्थिक भरपाई करेंगे, नुकसान की भरपाई करेंगे, परंतु कुछ नहीं की। अब मजबूरी में किसान अपना पराली जलाते हैं, हालांकि हवा नहीं आती इधर, लेकिन अगर मान लो पराली का विषय भी है तो उसको भी तो इनको सॉल्व करना चाहिए था, जिसके बारे में अभी कह रहे थे कि 2 करोड़ जुर्माना लगा, भाई क्यों लगा जुर्माना वो 2 करोड़। तो प्रदूषण कम करने, बीजिंग भी नंबर 2 पे या नंबर 3 पे था, बीजिंग चाइना का जो शहर है प्रदूषण में, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने एक प्लान बनाया, एक पॉलिटिकल विल दिखाई, ठीक है ना। पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, राजनीतिक जिद जब तक नहीं होगी कि मुझे ये काम करना है, तब तो कोई काम इस देश में हो नहीं सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता। बीजिंग अपने चाइना जो है बीजिंग अपने शहर को नीचे लेके आया, उन्होंने एक प्लान बनाया, लंबा चौड़ा प्लान बनाया, 5 साल का प्लान, 10 साल, भाई हम तो इसको लेके आएंगे क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है, हवा जहर यदि हमारे फेफड़ों में जाता है, हेल्थ हैजार्ड है ये, वो लेके आए इसको नीचे लेके आए, हमारे पास ऐसा कौन सा प्लान है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो व्हीकुलर, जो हमारी पॉपुलेशन है व्हीकल्स की, गाड़ियों की जो पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा है, उससे ये प्रदूषण बढ़ा है। उसको रेगुलेट करने के लिए क्या किया भाई आपने, और जब हमारी गाड़ियां एक एक घंटा एक ही किलोमीटर में खड़ी रहती है, हजार हजार गाड़ियां एक किलोमीटर में खड़ी है, धुआं चल रहा है, कोई ऑफ नहीं करता गाड़ी क्योंकि सड़कती हैं गाड़ियां धीरे धीरे, वो कितना पोल्यूशन फैला। उसके लिए सड़कें चौड़ी होनी चाहिए ताकि हमारी गाड़ियां सपाट चले, सीधी चले, वो नहीं हो, वो किसी ने कुछ नहीं किया। पटाखे चलते हैं दिवाली के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा है कि भाई पटाखों को बैन करो दिल्ली के अंदर, पटाखे नहीं जलने चाहिए, परंतु लिप सर्विस करते हैं पटाखों के नाम पे, एक दो स्टेटमेंट दे देंगे, हम ग्रीन दिवाली मनाना चाहते हैं, हम लेजर का शो करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, लिप सर्विस।
कुछ नहीं करना चाहते, पूरी रात पटाखे चलते हैं। आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता है पूरी रात पटाखे चलते हैं। रावण, मेघनाथ और खरदूषण के पुतले जलाए जाते हैं, शायद रूपणा का भी जलाते हैं कुंभकर्ण। क्यों जलाते हैं भाई पुतले? हर जगह हर मोहल्ले में रावण के पुतले चल रहे हैं, कितना प्रदूषण होता है। एक तो ये रावण का जो जलाने का मुद्दा, हमारे रावण के जलाने का मुद्दा हमारे हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। हमको इस देश में अनार्य, राक्षस, चंडाल, पता नहीं क्या कुछ कहा गया है दलितों को और आदिवासियों को। और रावण को हम अपना आदर्श मानते हैं, वो बहुत ही पंडित आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। आइंदा अगर हमारी सरकार आई, हम बिल्कुल बैन करेंगे यहाँ पे कोई रावण का या उसके भाई बहनों का पुतला। अरे कई हजार साल पहले ये कहानी लिखी गई थी, वहां पे रावण था, ये था, उसके पुतले अभी तक जलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हम बैन करेंगे। पृथ्वी जी, जी जिस विचारधारा को लेकर आपकी पार्टी चल रही है, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसके दो मुख्य मुद्दे हैं। एक मुद्दा है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और दूसरा मुद्दा है आपका जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म करना। इनके ऊपर आप मुझे बताइएगा क्या आपकी जो पार्टी है उसकी क्या रणनीति है इसके ऊपर। छोड़ दीजिए पुतलों को, ये तो फूकते रहेंगे, ये भारत का इतिहास है, यहाँ के चले नहीं सर। 50 सब लोग प्रदूषण से भी जोड़ के देख रहे हैं भाई साहब। नहीं थोड़ी बिल्कुल ठीक है, तो वो हमारे समाज का मुद्दा नहीं है ना, प्रदूषण मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में हमारे समाज का मुद्दा है, जिस विचारधारा को लेकर आपकी पार्टी चल रही है, उसके लिए दो मेन मुद्दे मैंने आपको बताया। आप नौकरी मांग रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है, चलिए। और इसी प्रकार जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है, यहाँ पे 11,000 बसें सैंक्शन है, 11,000 बसें सैंक्शन है, और पिछले 5 साल से 6.5 जा रही है, चल रही है बसें दिल्ली की। आप महिलाओं को फ्री राइड तो देना चाहते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, उसको सुधारना नहीं चाहते। 11,000 बसें क्यों नहीं आई अब तक पिछले 5 साल, पूरी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आपका निकम्मापन है। और उन जो बसें चल रही हैं, एक तो उन पर डबल दबाव पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस आपने देखी है? मेरे ख्याल ऐसी कोई बस नहीं है यहाँ पे जो चल रही है, जिसका जो वो होता है ना पीछे का जो मरघाट, जो भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बम्पर लटका हुआ ना हो या तारों से बांधा हुआ ना हो, सबके बम्पर लटके हुए हैं। और अगर आप पूरी दिल्ली में एक दिन में घूमे तो 3-4 बसें तो आपको ब्रेक डाउन करे हुए किसी न किसी पुल पे मिल जाएंगे, खड़ी हुई, अरे सवारियां परेशान, मेंटेनेंस नहीं है, ड्राइवरों की ट्रेनिंग नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले साल दी गई है, इस फ्रंट में 125 पॉलिटिकल पार्टी है पूरे भारत से, पैन इंडिया में इसका वर्क है, और अभी एट प्रेजेंट इस फ्रंट का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, इसमें 10-12 MLA हैं, कुछ 100 के आसपास वार्ड काउंसलर्स हैं, और भी अलग अलग पोस्ट पे हैं, डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं। लेकिन मैं इधर थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि इस फ्रंट को क्यों बनाया गया। इस फ्रंट को बनाने का एक ही मकसद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान का एक इतिहास है कि पावर को हमेशा डिसेंट्रलाइज करके रखते हैं, और आज की जो भी नेशनल लेवल की जो 7 रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, स्टेट की इंडिया में 63 स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, उन सब ने पावर को सेंट्रलाइज कर लिया है। और पावर जब सेंट्रलाइज होगा, इट मीन्स कि लोगों की मनमानी होगी, जो आज देश में आप एनआरकी के रूप में देख रहे हैं। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मकसद था, ताकि लोगों को बराबर का हक हिस्सा मिल सके, बराबर का इंसाफ मिल सके, SC ST OBC माइनॉरिटी के खासतौर से लोगों को, जो वंचित समाज है, जो दबा कुचला समाज है, उसको बराबरी का हिस्सा मिल सके। तो हम लोगों ने इसी को मद्देनजर रख करके, जो हम लोगों की 250-250 के आसपास वकीलों की टीम है, उसने एक फ्रंट जो IRPF है इसको रखा, और ये लास्ट ईयर 2018 में फ्रंट बना है। बनने के बाद फ्रंट ने काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया है, शायद आप लोगों के नॉलेज में है या नहीं, क्योंकि जनरली हम लोगों के जो फ्रंट के लोग हैं TV मीडिया में नहीं आते। ये भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भाई आप लोग TV मीडिया में नहीं आते, क्योंकि हम लोग कांशीराम जी से कुछ चीज़ें हमने सीखी है कि TV मीडिया में आके हमें अपना प्रचार ज़्यादा नहीं करना, हमें मकसद काम करना है, और हम लोग काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और थोड़ा मेहनत करके हम लोगों ने अभी कर्नाटका में भी आपने देखा होगा, हमारा विधायक निकल के आया, वहाँ पे हमारे वार्ड काउंसलर निकल गए, तो हमारे ये काम सिलसिला जारी है। अभी श्रीनगर का डिप्टी मेयर जैसे हमारे फ्रंट में है, अभी कोकराझार से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, तो हम लोग इस पर वर्क करें। दूसरी बात ये कि अगर संविधान ने सबको बराबर का राइट दिया है, तो राइट मिलना चाहिए। अभी केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही थी,
कि प्रचार प्रसार तो ज्यादा करते हैं, तो भाई सिर्फ करना नहीं, सिर्फ दिखाना नहीं, करना भी पड़ेगा। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और IRPF का पूरा सपोर्ट है RDA को और दिल्ली इत्तेहाद फ्रंट को। RDA जिसमें 12-13 पार्टियां हैं, जिसके संयोजक जनाब पृथ्वीराज जी हैं, प्रूफ DGP साहब, इनको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि IRPF की 2-3 पार्टियां ही हैं दिल्ली में। IRPF पैन इंडिया वर्क करती है, IRPF की दिल्ली में 2-3 पार्टियां हैं, जिसके एक पार्टी भारतीय वीर दल है, भारतीय वीर दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैठे हैं विजयपाल कसाना जी, और एक पार्टी और है भारतीय भाईचारा पार्टी, वो अभी उसके प्रेसिडेंट साहब नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट है आपके इस फ्रंट को, RDA को, साथ में दिल्ली इत्तेहाद फ्रंट है, उसमें भी 8-10 पार्टियां हैं, उसके भी अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं जनाब रफी साहब, उनको भी हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। और हम लोग पूरे इंडिया में इस वर्क को, आज ऐसा नहीं है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ ये दिल्ली के लिए सोच रहे हैं, हम लोग पूरे इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अगले जब इस विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के बाद अगला जो इलेक्शन 2021 में आसाम में है, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, बंगाल में है, उसमें भी हम लोगों का अच्छा खासा काम है, हम लोग वहाँ भी काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा दिल्ली पे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। देखिए, दिल्ली में साहब ने बताया अभी कि बिजली पानी सड़क, केजरीवाल के 3-4 दावे थे कि भाई बिजली पानी सस्ती कर दूंगा, एजुकेशन कर दूंगा, मैं हेल्थ पे काम कर दूंगा। मैं सिर्फ हेल्थ पे बोलूंगा क्योंकि हमारी टीम ने हेल्थ पे थोड़ा काम किया दिल्ली में। देखिए, अभी सबसे बड़ी बीमारी जो दुनिया में है ना, एक कैंसर एक बड़ी बीमारी है। मैं कैंसर पे बोलूंगा, खांसी बुखार पे मैं बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। कैंसर, दिल्ली सरकार का जो GTB में कैंसर अस्पताल है, उस पर हमारी टीम, IRPF की टीम के लोगों ने पूरा 1 साल मेहनत किया है। 1 साल मेहनत करने के बाद जो हमारे पास जो एक डायग्नोस होकर एक रिपोर्ट आई, उसमें यह पाया गया कि जो आदमी कैंसर का, जो पेशेंट फर्स्ट स्टेज पे दिल्ली कैंसर अस्पताल में जाता है, उसकी बीमारी को जांच करने के नाम पे कि उसका टेस्ट हो रहा है, उसका CT स्कैन हो रहा है, उसका अलग अलग टेस्ट जो बताते हैं, करते करते उसको 4th स्टेज पे लोग पहुंचा देते हैं और वहां से लोग डेड बॉडी निकलती है, इलाज नहीं होता है। तो फिर किस बात का आप ये ढिंढोरा पीट रहे हैं? करोड़ों रुपए का तो बैनर लगा देते हैं कि दिल्ली में हमने हेल्थ को सुधार दिया। तो मैं सिर्फ हेल्थ पे बोल रहा हूँ, हेल्थ पे हम लोगों के पास पूरी रिपोर्ट है। अब मैं थोड़ा सा NRC और CA पे बात करता हूँ। देखिए, हमारी टीम ने ना NRC पे काम किया है आसाम में। NRC में जो ये बताया गया कि भाई इसमें बांग्लादेशी लोग बहुत सारे आ गए हैं, नो डाउट बांग्लादेशी आए होंगे, मैं भी मानता हूँ थोड़े बहुत आए होंगे, बांग्लादेशी नहीं है वो। जो मेरी टीम ने अब इस पर 2-2.5 साल हम लोगों ने काम किया आसाम में, हम लोगों के पास जो पूरा एक रिपोर्ट, हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 50 केस तो मेरे पास खुद हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के 100-150 केस मेरे पास हैं। जो इसमें निकल के आया ये कि यूपी में ईस्टर्न यूपी का एक बड़ा पार्ट और बिहार का, ऑल बिहार, वहाँ से जो मजदूर 1970 के दशक में या उससे आसपास, उससे पहले उसके बाद जो आसाम में काम करने के लिए गया था, लेबर मजदूरी करने गया था, उसमें बेसिकली, उसमें बुनियादी तौर से उसमें माइनॉरिटी लोग थे, उसमें SC समाज था, ST समाज था, क्योंकि झारखंड उस जमाने में बिहार में ही था, तो ST समाज था, OBC था। जो मजदूरी करने आसाम में गया, तो जो मजदूर तबका था, जो तो खुद खाना बदोश है, उसके पास तो कोई पेपर UP और बिहार में था नहीं। जब वो आसाम में गया तो आसाम में उसने अपनी पहचान पत्र बनाया, अब आधार कार्ड आ गया तो आधार कार्ड भी उसने बना लिया, उसने अपने राशन कार्ड बनाए, लेकिन सरकार ने क्या इन पेपरों को आधार माना? इन पेपरों पे तो नहीं, वहां तो रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट चाहिए, और रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट ना उनके पास यूपी में मिला, ना यूपी सरकार ने हेल्प किया, ना बिहार सरकार ने हेल्प किया, और ना ही आसाम में उसको हेल्प मिला। जिस वजह से आप जो देख रहे हैं 19,70,000, शायद ये डाटा आप लोगों के पास भी नहीं होगा, 19,70,000 जो लोग हैं उसमें बेसिकली ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, और थोड़े लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें आप नेपाली कह सकते हैं, जिसमें आप बंगाली कह सकते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से उनको NRC में आज डिटेंशन कैंप में रहने के लिए मजबूर किया गया है। अब रही बात CA पे, देखिए मैं वकील हूँ, इसलिए मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो लॉ को थोड़ा तो समझता हूँ, थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा बेहतर समझता हूँ। जब बाबा साहब ने एक संविधान दिया है, संविधान किसी के साथ ना भेदभाव नहीं करता है, पहली बात तो ये मान लीजिए, चाहे कोई से समाज हो, कोई अपर कास्ट हो, जिसको आप अपर कास्ट कहते हैं, जो लोग RSS चला रहे हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, लिंगायत हो, सिख हो, किसी के साथ भेदभाव संविधान नहीं करता। जब संविधान भेदभाव नहीं करता, तो RSS का जो एजेंडा है उसको BJP जो सेंट्रल में आज बैठी है वो कैसे पूरा करेगी और क्यों करेगी? वो क्यों उसे भेदभाव करेगी? अगर वो भेदभाव कर रही है तो ये मान लिया जाए कि ये BJP का नहीं, RSS का एजेंडा है। और वो जो भेदभाव है, जब संविधान का Article 14, 15, 21, 25 अगर या तो इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है तो अपने मतलब के लिए पढ़ा है और अपने मकसद के लिए पढ़ा है। और ये वही लोग हैं जो जिनका संविधान पे भरोसा नहीं है। मेरा तो अपना ये मानना है, संविधान द्वारा प्रदत्त सारे फायदे उठाते हैं,
संविधान, अगर संविधान से फायदा मिले तो जो आरएसएस में बैठे लोग हैं, बीजेपी में बैठे लोग हैं, फायदा तो उठाते हैं, लेकिन संविधान पे भरोसा नहीं है। संविधान की धज्जियां इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे उड़ाई है और संविधान की धज्जियां इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उड़ाई है। आपने देखा होगा पिछले साल इन लोगों ने संविधान जलाया था, क्या किसी ने बोला इस पर? तो ये लोग जो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है, मैं किसी मजहब का दुश्मन नहीं हूँ, ना मुझे किसी मजहब से प्रॉब्लम है, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मैं अपने मजहब को फॉलो करता हूँ, आप हिंदू फॉलो कीजिए, उसी के उसको फॉलो करने दीजिए। लेकिन ये जो दिक्कत है देश में कि इनको लिंगायत से प्रॉब्लम है, इनको एससी से प्रॉब्लम है, इनको एसटी से प्रॉब्लम है, इनको ओबीसी से प्रॉब्लम है, इनको सिख से प्रॉब्लम है, इनको बौद्धिस्ट से प्रॉब्लम क्यों है, तो क्या ये भारतीय नहीं है? तो इस पर हम लोगों का वर्क है और हम लोग इस पर पैन इंडिया वर्क कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारा जो मेन फोकस 2024 है, इस पर हम लोग 2024 में इस फांसीवादी सरकार को हम लोग बाहर फेंकेंगे। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हम लोगों ने अभी आरडीए के साथ और दिल्ली इत्तेहाद फ्रंट के साथ हम लोगों ने मिलकर काम हम लोग करने कर रहे हैं, अभी जमीन पे हमारा वर्क है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस पर हम लोग कुछ ना कुछ कामयाबी लेंगे। भले जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन बात जीतने हारने के लिए नहीं, हम अपनी पहचान के लिए आ रहे हैं कि हम आप ये बता दें कि भाई हम लोग भी हैं, जिस दिल्ली जिसकी आबादी इस देश में 90% है, जो संविधान में भरोसा करती है, जिसका संविधान भारत के संविधान पे 90% लोगों का भरोसा है, उसमें एससी एसटी ओबीसी। सबसे पहले तो हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली के अंदर, उनको उनका स्तर बढ़ाने की बात है, उनको हम तो चाहते हैं कि वो विश्व स्तरीय हों, जिस प्रकार जो विकसित देशों में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नागरिकों को मिलती हैं, पानी, मैं कई देशों में गया हूँ, सरकारी दौरों पे भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ, एक जगह मैंने एक बाज़ार में पानी की बोतल मांग ली थी खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो वो दुकानदार हंसने लगा कि जी आप कहाँ ठहरे हैं, मैंने कहा मैंने होटल का नाम बताया, मैंने कहा पानी की बोतल आप क्यों ले रहे हो, आप अपने होटल से पानी क्यों लेके नहीं आए, मैंने कहा हमने सोचा शायद पानी की होटल का पानी गंदा होगा तो हम बोतल बाहर से ले लेते हैं, इंडिया में तो हम ऐसे ही करते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, बोतल का पानी यहाँ गंदा हो सकता है, होटल का पानी साफ है। और अभी तो कुछ दिन पहले दिल्ली में इतना बवाल और अखबारों में फोटो भी आई, कहीं कॉलोनी में पीला पानी जा रहा है, कहीं पे ब्राउन पानी जा रहा है, कीड़ों वाला पानी जा रहा है। तो 70 साल की आज़ादी के बाद जो मूलभूत एक रिक्वायरमेंट होती है एक नागरिक की पानी की, वो भी हम वर्ल्ड क्लास पानी बिना किसी आरओ के लगाए अगर पी सकें टूटी से वो दे नहीं पाए। हमारा प्रयास है कि ऐसा पानी, ऐसे स्तर का पानी हम दिल्ली की पब्लिक को दें जो डायरेक्ट टूटी से लोग पानी पिए और फख्र महसूस करें कि हाँ हम अपना साफ सुथरा पानी पी रहे हैं। सर जब दिल्ली में पानी नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से देंगे? नहीं, पानी का इंतजाम करेंगे, ऐसी क्या बात है, अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि हम भी नहीं कर पाएंगे, वो हम इनएफिशिएंट लोग थोड़ी हैं, निकम्मे इनके तरह के पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, हम करेंगे। और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा जैसे साहब ने अभी इलेबोरेट किया, सड़कों का मुद्दा, मैं एक विकसित कॉलोनी में रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ, उसको दिल्ली की अच्छी कॉलोनी में माना जाता है द्वारका, द्वारका की सड़कें, यदि मेरे साथ आप में से कुछ भाई आए, कोई बात नहीं, मैं तो सड़कें पिछले 6 महीने से वो छोटे छोटे खड्डे थे, बढ़ते 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 इतने बढ़ गए, सड़कें बिल्कुल फूटी फूटी हैं, हर जगह प्रदूषण है। और कई लोग इसको भी शायद धर्म से जोड़ के देखेंगे इस मुद्दे को भी, लेकिन मैं इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखता। हम ये हमारे देश की जो राजधानी है, इतना कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारा देश 5वें या 4थे नंबर पर है, उसकी राजधानी जहाँ पे इतने बड़े बड़े आधुनिक माल हैं, परंतु वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं और जिनको हम कच्ची कॉलोनियाँ भी बोलते हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उसमें इतने आवारा पशु कहाँ से आ गए, या आवारा पशुओं से कितनी मौतें हुई हैं दिल्ली के अंदर आपको पता है, कितने स्कूटर चालकों को मार दिया पहलों ने और गिरा दिया और मर गए लोग। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं। सर जो आपकी पार्टी है, देखिए मुद्दे, पहले मुद्दे पे थोड़ा सा 2-4 मुद्दे में बोलूं, सर आप बोलना। देखिए जो मुद्दे हैं खासतौर पे, देखिए सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेका जो प्रथा है इसको खत्म करने का मुद्दा है, ये हमारा प्रायोरिटी पर है। और जो लोग करीब करीब 1 लाख से ऊपर दिल्ली सरकार और एमसीडी एनडीएमसी और तमाम इसमें काम कर रहे हैं 20-20, 30-30 साल से, तो जिनके भी 240 दिन पूरे हो गए हैं आईडी एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1900
70 के हिसाब से हम उन तमाम लोगों को परमानेंट करने का ये बनाएंगे। सबसे पहले उनको परमानेंट करेंगे और दूसरा वो एक जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्होंने ख़त्म कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दोबारा से पुनर्गठन होगा। जितने भी दिल्ली के बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ से लेकर के और जितने भी टॉप वो एजुकेशन लिया है उनका सब वहाँ पर पंजीकरण होगा। और ख़ासतौर पर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर के लिए अलग से बोर्ड महाराष्ट्र के आधार पे उनके लिए एक डोमेस्टिक बोर्ड वर्कर्स के लिए बोर्ड होगा, जिससे कि उनके उनको मदद की जाए, उनको भी वहाँ पर पंजीकरण किया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए, मिनिमम वेजेस की उनकी गारंटी हो और उनको भी सब सोशल सिक्योरिटीज मिलें, ये होगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना, ख़ासतौर पर जो हमारे ऑटो जो वो हैं ऑटो के इसमें टैक्सी ऑटो, इसमें ऑटो आज भी हमारे तमाम लोगों को जो वहाँ पे तकलीफें होती हैं लेके नहीं जाते, उनकी भी समस्या है, उनसे बात करके ऑटो को भी ऑनलाइन इस तरह से करा जाए कि ऑटो वालों को भी उनका हक मिले और जो भी हमारे जो यात्री हैं उनको तमाम फटाफट ऑटो मिले। ऑटो की वजह से बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि आपको पता है पीछे दामिनी और दूसरे बहुत सारे केस होते हैं, अगर समय पर ऑटो मिल जाता तो घटनाएं ना होती और जो बहुत सारे बीमार लोग हैं वो लोग भी परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को इस पर ट्रांसपोर्ट पे करेंगे। और एजुकेशन का मामला हमारे उसमें है, देखिए एजुकेशन में इन्होंने कुछ नहीं किया। एजुकेशन में जो अभी एक साथी सवाल कर रहे थे कि जी एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है जो हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे अनुसूचित जाति और उनके लिए हैं, एमसीडी इलाकों में इन्होंने एमसीडी कर रखे हैं, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, और एनडीएमसी के इलाकों में भी इन्होंने एनडीएमसी के वो कर रखे हैं प्राइमरी स्कूल, और बाकी जगहों पर इन्होंने सरकार दिल्ली सरकार के कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी है और सीनियर सेकेंडरी के बाद इन्होंने एक कैटेगरी बना दी है जिसमें सर्वोदय विद्यालय कर दिए, और सर्वोदय विद्यालय के बाद इन्होंने प्रतिभा विद्यालय, इसमें भी इन्होंने इस तरह के कैटेगराइज कर दिया कि जिनके अच्छे नंबर आते रहेंगे वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। तो बाकी बच्चे जो जो इक्वल एजुकेशन की बात थी संविधान में, समान शिक्षा की बात थी और सबको एक साथ शिक्षा देने की, निःशुल्क शिक्षा की और बेहतर शिक्षा की, वो हम उसको यहाँ करेंगे। तमाम जो स्कूल का ढांचा होगा प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी तक वो एक जैसा होगा। हम सर्वोदय, प्रतिभा और ये प्राइमरी, एमसीडी और इनको सब खत्म करके एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली में करेंगे, जो संविधान ने आर्टिकल 46 के हिसाब से जो डायरेक्टिव्स दिए हैं उसके हिसाब से हम इसको करेंगे, जिसमें तमाम दिल्ली को एक जैसी एजुकेशन मिले, सारे बच्चे एक साथ पढ़ें और उनको सारे निःशुल्क शिक्षा हो और एक जैसी शिक्षा हो। टीचर्स भर्ती करेंगे टीचर्स का, क्योंकि अभी बहुत बच्चे हो गए, जो 33,000 की स्ट्रेंथ थी टीचर्स की उसको हम 50,000 टीचर्स की स्ट्रेंथ ला करके सारे टीचर्स को, सारे परमानेंट टीचर होंगे, गैस टीचर कोई नहीं होगा, सारे परमानेंट टीचर होंगे, परमानेंट टीचर की भर्ती की जाएगी, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी और हम एक मिशन एजुकेशन चलाएंगे। पार्क में शिक्षा होगी, इलाकों के सामुदायिक भवन में शिक्षा होगी, वहाँ के जो स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स हैं उसमें लाइब्रेरीज होंगी, रात को स्टूडेंट्स पढ़ें और 3 पाली में वहाँ के बच्चे पढ़ें एक जैसी, और उनको सारा एक एक जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा एजुकेशन के लिए, प्रॉपर एजुकेशन ये सब होगा। और दूसरा हमने ये कहा कि दिल्ली के हर परिवार को कम से कम उसके पूरे एक परिवार की आय, मिनिमम परिवार की आय 50,000 मिनिमम आय की हम उनको गारंटी देंगे, जिससे कि अलग अलग सोर्सेज से आदमी घर घर में महिला है, आदमी है, उनको अगर परमानेंट नौकरी भी नहीं मिल रही तो बहुत सारे ऐसे स्वरोजगार के वो हैं, जरिए हैं, इंडस्ट्रीज में से इतना सारा काम होता है तो उसके जरिए से हम उन कोशिश करेंगे एक परिवार को मिनिमम आय 50,000 उनको मिल सके महीना। देखिए मुझे बहुत अफसोस होता है, हास्यास्पद लगता है जब भी कांग्रेस कोई चीज कहती है ना, जैसे अभी पीछे एक वो घटना हुई थी, इन्होंने किसको सावरकर को या किसको भारत रत्न देने की बात की थी, बीजेपी ने की थी, और नहीं वही मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने की थी, तो कांग्रेस ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जी शहीद भगत सिंह को क्यों नहीं दे रहे हो, बात तो ठीक थी मगर सवाल ये भी है ना, 60 साल आपने एक छत्र राज किया, आपको उस समय भगत सिंह याद नहीं आए, कांग्रेस ने 60 साल तो कम मिनिमम एक छत्र राज किया ना पूरे देश नहीं, में सर, आपका नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 2,500 से 5,000 कर देंगे तो हास्यास्पद है, धोखा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम उनको 15 सालों का सीनियर सिटीजन के लिए, देखिए हम
उनके उनके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है वो बहुत अनुभवी है, अपने अपने काम में परिपक्व है। हम इस तरह के वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जिससे कि सरकार और दिल्ली की जनता उनके अनुभव का लाभ ले, और उनको भी कम से कम, चाहे उसको आप उसके पेंशन मान लीजिए, चाहे उनका मेहनताना मान लीजिए, मिनिमम जो दिल्ली सरकार के रेट होंगे जो 20-19 हजार कुछ है, वो उनको मिलना चाहिए। इज्जत का मान सम्मान का जीवन मिलना, हम मुफ्त में उनको कुछ नहीं देंगे, उनका अनुभव का जिस भी हिसाब से दिमाग से काम जो करेंगे वो करेंगे। सर आपका जो मुकाबला है जिन पार्टियों से, बहुत सारी संपन्न पार्टियां संसाधन के मामले में, फिर आप कैसे उनका सामना करेंगे? देखिए, संसाधन की हमें जरूरत नहीं है, संसाधन तो कम पड़ते हैं, जितने बड़ी जगह लो करोड़ों रुपए भी लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजते हैं। आजकल का चुनाव पैसे का चुनाव है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ये बना दिया हुआ। मैं ये अपने बहुजन को, खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति को कह देना चाहता हूँ, हमारे इस लड़ाई से ये भी सबसे बड़ा ये मिशन है कि भैया ये जो उन्होंने हुआ खड़ा कर दिया है ना, कि जिसको भी देखो हमसे सवाल करता है भाई पैसा कहाँ से आएगा, भाई हमें जरूरत नहीं है पैसा, किसने किस संविधान में लिखा कि पैसा लगाना है? हमने दारू नहीं पिलानी किसी को, हमने किसी को कुछ नहीं देना। 29-30% हमारा एक तरफा वोट है, हमने लोगों तक डोर टू डोर कैंपेन करनी है, जो हमने अपनी जमानत हमारे लोगों ने भरनी है वो भरनी है, और हमने जो थोड़ा बहुत पर्चे वर्चे पर करना है, और वो भी जो पैसा हमने थोड़ा बहुत खर्चा करना है वो भी जनता से चंदा लेंगे, क्योंकि संविधान में यही है, जनता का चुनाव, जनता के पैसे से जनता की लड़ाई कर रहे हैं। हम अपना कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि हम 2-4 करोड़ लगाएं और 5 साल गायब हो जाए और पैसे को खा जाएं, वो नहीं होगा। हमारे लोग एक भी पैसा नहीं खर्चा करेगा, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता पैसा देगी, जनता के पैसे जमानत भरेंगे और डोर टू डोर जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे। छोटी सी दिल्ली है और हमने लिमिटेड अपने अपने टारगेटेड इलाके हमने टारगेट करने, जहां से हमें वोट आना है, जहां हमारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी रहते हैं वहां जाना है। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जो सोशल मीडिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी हमें साबित हो रहा है, एक अच्छा फायदा हो रहा है, तो इसलिए हमें किसी भी सीट पे ज्यादा हमें संसाधन नहीं खर्च करने, जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे, कम पैसों में लड़ेंगे, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, और यही डर हमने निकालना है। सर, एक आखिरी सवाल, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं काम भी जनता का फैसला से। सर, ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टी है वो वादे तो बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े करती है, लेकिन उसके बाद वादे जब निभाने का टाइम आता है और जनता अपना प्रतिनिधित्व चुन लेती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, जैसा कि आपने आम आदमी पार्टी के विषय में बताया, अन्य भी राजनीतिक पार्टी इसी प्रकार है। जनता आप पर विश्वास क्यों करे कि आप अपने वादों पर खड़ा उतरेंगे? जी बहुत बढ़िया, देखिए यही एक सवाल है, ये हमारा पीछा कर रहा है। अब 70 साल में लोग इतने लुटपिट गए, तो अब हमें भी अब कम कैसे कैसे हमें देखिए, हम इस बात पे ये नहीं कह सकते, 70 साल की इस आजादी में जो लोगों ने धोखा दिया, इन पॉलिटिकल लोगों ने, जो इन पार्टियों ने धोखा दिया है, ये बिल्कुल आपका जस्टिफाइड सवाल है कि ये सवाल आता है कि हम पे क्यों करें, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समय पे आए, सब लुटपिट गए, तो हमसे सवाल करते हैं, करनी किसी की भरनी किसी की, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई उनको 70 साल से आपने मौका दिया है, तो एक बार हमें भी देके देख लो, हो सकता है सच्ची बोल रहे हो। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।